subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव तश्वीशनाक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 83 अमवात हो गईं। एक ही दिन में 2972 नए मरीजों की तशखीस हुई। सिंध में दीनी मदारिस में तालीमी सरगर्मियाँ फौरी बंद करने का फैसला कर लिया गया। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। कालादन तंजीम लश्कर इस्लाम के अहम कमांडर जाकिर आफरीदी समेत 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों ने 25 दिसंबर को पेशावर में बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रखी थी। पाकिस्तान नेवी के नए जहाज PNS तबूक ने बहरी बेड़े में शमूलियत इख्तियार कर ली। अमीरुल बहर कहते हैं PNS तबूक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और डिफेंस सिस्टम से लेस है। हमारा बरतानिया से तहवील मुजरिमान का कोई मुहायदा नहीं है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अगर इमरान खान ने सेनेट में अक्सरियत हासिल कर ली तो वो करप्ट और बेईमान सियासतदानों की चीखें निकाल देगा। नैब ने सलीम मांडवी वाला के बेनामी शेयर्स मुंजमन करने पर जवाब एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। नैब का मौकफ है कि किडनी हिल्स फलकनुमा में प्लॉट्स की बैक डेट फाइलें सलीम मांडवी वाला ने अब्दुल गनी मजीद को फरोख करने में एजाज हारून की मुआवनत की। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699 फॉर फैमिली लॉ रियल एस्टेट विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 9059566699। मौलिक वायरस से हलाकतों की तादाद 9146 हो गई। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तस्दीक शुदा केसों की तादाद 4,51,494 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 83 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमू तादाद 9164 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,51,494 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,972 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 42,478 हो गई, जिसमें से 2,447 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। सूबा सिंध में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद तमाम दीनी मदारिस में तालीमी सरगर्मियां फौरी बंद करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि स्कूल कॉलेजेस पहले से ही बंद हैं। पेशावर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कालादम तंजीम के अहम कमांडर समेत 4 जबकि 8 सहूलतकारों को गिरफ्तार करके खुदकुश जैकेट्स और देसी साख्ता बम बरामद कर लिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने गुज़िश्ता रात खैबर के इलाके सिपाह में एक मकान पर छापा मारा, जहां से कालादम लश्कर इस्लाम के कमांडर जाकिर आफरीदी समेत 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 खुदकुश जैकेट्स बरामद की गईं। ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दों से 6 देसी साख्ता बम भी बरामद हुए और उनकी निशानदही पर बुटबेर में भी कार्रवाई की गई, जहाँ से दहशतगर्दों के 8 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को मज़ीद तफ्तीश के लिए खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दों ने 25 दिसंबर को पेशावर में बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रखी थी। नेवल चीफ अमजद खान नियाजी ने कहा है कि PNS तबूक की बहरी बेड़े में शमूलियत से मुल्की बहरी कुव्वत मजबूत तर, बहरी मुफादात और हदूद के दिफा को तकवियत मिलेगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
पाकिस्तान नेवी के नए जहाज PNS तबूक ने बहरी बेड़े में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नए जहाज PNS तबूक की तामीर डोमेन शिपयार्ड रोमानिया में की गई है। नए बहरी बेड़े में शमूलियत की तकरीब डॉकयार्ड कराची में हुई। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खसूसी थे और उन्होंने कहा कि जहाज की शमूलियत से मुल्की बहरी क़ुव्वत मजबूत, बहरी मफादात और हदूद का दिफा मजीद बेहतर होगा। पाकिस्तान नेवी में शामिल किया जाने वाला नया जहाज PNS तबूक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और डिफेंस सिस्टम से लेस है। PNS तबूक मुतादित नेवल ऑपरेशंस अंजाम देने और हेलीकॉप्टर और ड्रोन ले जाने की सलाहियत रखता है। वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद अहमद का कहना है कि PDM को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन 12 फरवरी से 12 मार्च के दौरान इंतखाबात का ऐलान कर सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल 2 माह में हल कर लिए जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखला शेख रशीद ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को अल्लाह ही लाएगा तो वो आएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखला ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम सफारत खानों में नादरा और पासपोर्ट के दफातर खोले जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल 2 माह में हल कर लिए जाएंगे। शेख रशीद ने मज़ीद कहा कि मुझसे शर्त लगा लें, वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, इसहाक डार और नवाज शरीफ को अल्लाह लाए तो वो आएंगे, क्योंकि हमारा बरतानिया के साथ कैदियों का कोई मुहैदा नहीं। इमरान खान सैनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो ऐसे कानून लाएगा कि करप्ट और बेईमान सियासतदानों की चीखें निकलेंगी। इमरान खान सैनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना इस कानून में वो सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट और मनी लॉन्डर के खिलाफ वो ऐसे कानून लाएगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। वजीर दाखला ने कहा कि PDM को कोरोना की कोई परवाह नहीं, अपोजिशन को सैनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहा हूँ। 12 फरवरी से इलेक्शन हो सकते हैं, हतमी तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही पता चलेगा। मैं PDM को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूँ। अगर उन्होंने हिस्सा नहीं लेना तो फिर उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि 12 फरवरी को इलेक्शन होंगे या 12 मार्च को होंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कहा है कि हिस्से में मिलने वाली रकम से सलीम मांडवी वाला ने पहले एक बेनामी के नाम पर प्लॉट खरीदा, बाद में वो प्लॉट बेचकर दूसरे फ्रंटमैन के नाम पर बेनामी शेयर्स खरीद लिए। प्लॉट्स फरोख के बदले में रकम जाली अकाउंट से आई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन होगी, आप लोग सब देखेंगे और सुनेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के बेनामी शेयर्स मुंजमद करने के मामले में नैब ने 136 सफात पर मुश्तमिल जवाब एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। नैब ने जवाब में कहा कि केस में नैब की कोई बदनीयती शामिल नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी JIT में सामने आया था। नैब की जानिब से कराची में किडनी हिल्स प्लांट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट्स और ट्रांजैक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड जवाब के साथ जमा कराया गया, जिसमें कहा गया कि एजाज हारून ने किडनी हिल्स फलक नुमा में प्लॉट्स की बैक डेट फाइलें तैयार की। सलीम मांडवी वाला ने प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को फरोख करने में एजाज हारून की मावनत की। हिस्से में मिली रकम से सलीम मांडवी वाला ने पहले एक बेनामी के नाम पर प्लॉट खरीदा, बाद में वो प्लॉट बेचकर दूसरे फ्रंटमैन के नाम पर बेनामी शेयर्स खरीदे। किडनी हिल्स प्लॉट्स की फरोख के बदले में आई हुई रकम जाली अकाउंट से थी। सलीम मांडवी वाला के मुबैना बेनामीदार तारिक महमूद के वकील ने दरख्वास्त की समात अल्तवा करने की दरख्वास्त की और नैब जवाब पर दलाइल के लिए मोहलत मांग ली, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने तारिक महमूद के वकील से इस्तफसार किया कि इतने बड़े जवाब से डर गए हो क्या। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।